कानपुर में हुए 1984 सिख दंगों में जांच कर रही एसआईटी जांच कमेटी में नया मोड़ आ गया है। एसआईटी टीम जल्द ही सिख दंगों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी करने जा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जिनकी या तो मौत हो गई है या वो अधिक उम्र के हैं। ऐसे आरोपियों की रिपोर्ट शासन से लगाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। तो वहीं एसआईटी डीआईजी बालेंदु भूषण ने बताया कि कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनकी उम्र अधिक हो गई है या मौत हो गई है। ऐसे आरोपियों की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। तो वहीं पूरे मामले में 19 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। 1984 दंगे के मामले हैं जो वो 70 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है, जिसको लेकर जल्द ही ये कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब इस मामले में 1984 दंगे के पीड़ित अवतार सिंह से बात की गई तो उन्होंने एसआईटी जांच टीम के द्वारा जांच को सही ठहराया। वहीं पीड़ित ने बताया कि 1984 दंगे में उनके परिवार के 7 लोगों की मौत हुई थी और घर दुकान सब दंगाइयों ने जला दिया था। उन्होंने कहा कि इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, आरोपी को सजा मिले। ये है कि हमारी जांच तो पूरी कर चुके हैं पुलिस वाले, मकान की इंक्वायरी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब गिरफ्तारी करना उनका काम, हमारा काम नहीं है। अच्छा सर, 1994 में सिख दंगे में आपके परिवार में कितने लोग शहीद? हमारे घर के 7 आदमी गए, 4 भाई, माता जी, पिताजी, बहन। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ था? कितना नुकसान हुआ, जानी माल का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ, बाकी जो घर का लुटा तो लुटा, दुकान लुटी, अलग दुकान लुटी। विशेषज्ञों के साथ जो है सलाह मशविरा करके 4 अभियोग अपील लायक पाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया है। वहाँ से अनुमति प्राप्त होते ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील जो है आयोजित की जाएगी। शेष ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के 29 अभियोग जिसमें उस समय कानपुर की पुलिस ने विवेचना के उपरांत फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था, उसमें सबकी पहले प्रारंभिक जाँच कराई गई। 20 मुकदमे जो है इस स्तर के पाए गए जिसमें जो है विवेचना करने का पर्याप्त आधार था, अतः न्यायालय से 173-8 में अनुमति प्राप्त करके उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।